तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाला इक्विपमेंट डाटा लॉगर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाटा लॉगर हमारे इंडियन रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है इंटरलॉकिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने में, देखने में, समझने में। तो आज हम लोग जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो डाटा लॉगर है एफ्ट्रॉनिक्स मेक। एफ्ट्रॉनिक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो डाटा लॉगर बनाती है और इंडियन रेलवे को सप्लाई करती है, और इंडियन रेलवे उस डाटा लॉगर को इम्प्लीमेंट करता है अपने सर्किट में। तो ये डाटा लॉगर है क्या? सबसे पहला चीज, डाटा लॉगर सबसे पहला चीज, जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने खुद डिस्कस किया था, डाटा लॉगर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है कि जितने भी इक्विपमेंट कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, जो विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है, उसमें एक छोटा प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, मतलब बहुत ही छोटा प्रोसेसर, दैट इज द प्रोसेसर, दोनों का मिलके नाम बनता है माइक्रो प्रोसेसर। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। तो डाटा लॉगर भी जो है ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इक्विपमेंट हमारा है। जिसका काम क्या है, ये क्या करता है, लॉग द चेंज इन द स्टेटस। ये क्या वर्क करता है, माइक्रोसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट तो है लेकिन इंडियन रेलवे क्यों यूज करती है। तो इसका काम है, पर्पस जो है लॉग द, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डाटा लॉगर, लॉगर मतलब लॉग करना। लिख लीजिए, डाटा लॉगर माइक्रो प्रोसेसर लॉग द स्टेटस ऑफ रिले। सबसे पहला चीज कि आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम में जितना भी इंटरलॉकिंग, कितना टाइप का होता था, तीन। पहले हम लोग का इंटरलॉकिंग होता था मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में रिले का कोई यूज नहीं था। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में जितने भी इंटरलॉकिंग थे सब आपके आयरन लोहा जो भी है उसमें इक्विपमेंट लगा है काट के, दैट इज द फिजिकल बेस्ड था। जो रिले इंटरलॉकिंग है, जो हमारा पी आई या RRI बा SSI, इसमें कुछ रिले यूज होते हैं। रिले में क्या होता है, कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक तरफ फिट गया दूसरा आउट, यानी कि रिले ऑपरेशन से ही सारा सिग्नल का ऑपरेशन होता है। तो उसमें जो रिले का स्टेटस है, रिले स्टेटस पिकअप या ड्रॉप, उससे पता चलता है हमको। तो सबसे पहले वो क्या करता है, लॉग द स्टेटस ऑफ रिले इन पैनल इंटरलॉकिंग और RRI, यानी रूट रिले, और RRI का मतलब रूट रिले इंटरलॉकिंग, और SSI का मतलब सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। ये सब में भी जहां पर भी हमारा रिलेज यूज हो रहा है उसमें डाटा लॉगर का यूज है, जो आपका मॉनिटरिंग करता है। सारे पर्पस को हम लोग देखेंगे कि और बाकी भी इसका क्या क्या पर्पस है फंक्शन कराने का। आगे इसका जो मेन चीज है कि क्या क्या होता है डाटा लॉगर, सारे जितने भी आप लोग हैं डाटा लॉगर तो देखे हुए हैं। तो डाटा लॉगर को अगर फ्रंट से हम देखें तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है, सामने डाटा लॉगर के पास गए और देख रहे हैं, दैट इज द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखता है, फ्रंट व्यू में सबसे पहला जो पीरियड है आप देखेंगे कि LED बेस्ड डिस्प्ले है, दैट इज द LED डिस्प्ले। ये LED डिस्प्ले जो है, ये LED डिस्प्ले का क्या काम है, ये LED डिस्प्ले का काम है कि जितने भी डिजिटल इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स दो डाटा लॉगर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी दो टाइप का इनपुट होता है, डिजिटल इनपुट और एनालॉग इनपुट। तो जितने भी डिजिटल इनपुट हैं जो आप दे रहे हैं उसका प्रॉपर फंक्शनिंग का विजुअलाइजेशन, यानी हम देख के पता करें कि रिले हमारा जो कॉन्टैक्ट हम लिए हैं वो पिकअप ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका विजुअलाइजेशन है कि नहीं, वो रिले मेरे डाटा लॉगर के साथ कनेक्ट है या नहीं है,
उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एलईडी डिस्प्ले करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ रिले रहता है एलईडी रहता है 512, आपका कॉलम हो जाएंगे 32 और रो हो जाएंगे 16, तो 16 × 32 के रो एंड कॉलम के मल्टीपल में वो एलईडी का स्टेटस रहता है। और ये 512 एलईडी आपको क्या दिखा रहा है कि एक डाटा लॉगर का एक पेज का स्टेटस, एक पेज का स्टेटस कि एक डाटा लॉगर में तो कितने डिजिटल इनपुट्स या एनालॉग इनपुट्स हम लोग ले सकते हैं। अभी आगे चैप्टर आ जाएगा टॉपिक में, पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था लेकिन हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे अभी। तो एलईडी डिस्प्ले में 512 एलईडी हैं और ये डिस्प्ले आपको बताता है कि डाटा लॉगर का इनपुट्स हम कहां कहां ले रहे हैं। दूसरा चीज जो दिखता है, दूसरा चीज उसमें एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कीबोर्ड? एलईडी तो दे दिया, इन कनेक्टिंग हम कहीं और कर रहे हैं। हमारे जितने भी रेलवे में इंक्लूडिंग जो भी हो, हम कभी कीबोर्ड का यूज नहीं करते उसमें। अरे जो आएगा मेंटेनेंस करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो क्या दावा नहीं दावा, फोन लगाया चला गया, नहीं। उससे हमको डाटा लॉगर का प्रॉपर फंक्शनिंग का लोकल स्टेटस पता करने के लिए ये कीबोर्ड का यूज होता है। तो कीबोर्ड का यूज हम क्या करेंगे, उसमें डाटा लॉगर में एक टाइमिंग है जिसको हम मेंटेनेंस स्टाफ पता नहीं कितना ध्यान देते हैं, लेकिन दैट आज द वेरी 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 वाइटल। जितना भी नॉन वाइटल थिंग्स हम सिग्नलिंग पर्सन के लिए लगता है देखने में, थ्योरेटिकल बेस्ड में अगर हम आए, प्रैक्टिकल जब कुछ दुर्घटनाएं होती है रेल में उस समय जब आए, तो एसएनटी डिपार्टमेंट को और स्टाफ को बचाने का सबसे बड़ा जरिया डाटा लॉगर है और उसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इस चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। कीबोर्ड में से हम उसका टाइम सेट करते हैं। तो टाइम सेट का जरूरत क्या है, घड़ी मोबाइल तो हमारे पास सबके पास है, उसे क्या जरूरत है। अभी मान लिया जाए कि आपका बोजूडी यार्ड में एक एक्सीडेंट हुआ 12:10 पे, स्टेशन मास्टर का घड़ी था, वो डायरी एंट्री दिया 12:10 में हमने ये केस हुआ था। अब सब पता कर रहा है, देखा गया कि कोई लाइन क्लियर हुआ था 12:05 पे, कोई गाड़ी आ रही थी 12:10 पे एक्सीडेंट हुआ यार्ड में, ठीक है। तो उसके बाद जब डाटा लॉगर से रिपोर्ट निकाल रहा है तो देख रहा है वो 12:00 से 12:20 के बीच में कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है बोजूडी यार्ड में, दिन क्या होगा कि एसएनटी वाले गए। तो आपका डाटा लॉगर का टाइम जो स्टेशन, अभी तो जीपीएस बेस्ड हो गया है सारे स्टेशन का टाइम, और डाटा लॉगर का टाइम जीपीएस बेस्ड नहीं है, उसको सेट करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। और उसी चीज को हमको जब भी हमारा एएमसी वाला स्टाफ आए, क्योंकि अभी जैसे इस चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं, डाटा लॉगर में एएमसी वाला आया टाइमिंग देखा कि नहीं देखा, तो टाइम जो मैचिंग कराना, जो हमारा स्टेशन का घड़ी का जीपीएस क्लॉक का टाइमिंग है और हमारा डाटा लॉगर का टाइमिंग है, उसके बीच में 1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, नॉट मोर देन 1 सेकेंड। कि कुछ भी इंसिडेंस होता है तो उसके डायरी एंट्री, उसका एक्यूरेंस और हमारा डाटा लॉगर का टाइमिंग प्रॉपरली मैच करना चाहिए, देन दैट इज द इंपॉर्टेंट। और इसको हम लोग सेट करते हैं कीबोर्ड से, जो हमको कीबोर्ड दिया हुआ रहता है। दूसरा चीज, आपका डाटा लॉगर जिस रूम में लगा हुआ है उसका टेम्परेचर भी मॉनिटर करता है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जरूरत नहीं समझ में आता है कि आपका डाटा लॉगर इक्विपमेंट कितना टेम्परेचर में काम कर रहा है, दैट इज द रूम टेम्परेचर। और वो रूम टेम्परेचर जो है आपको बाकी इक्विपमेंट के लिए पता चल जाएगा, क्योंकि सिग्नलिंग का जितना भी सिस्टम है उसका एक टेम्परेचर दिया हुआ है कि मिनिमम इतना टेम्परेचर से मैक्सिमम इतना टेम्परेचर के बीच में ये सिस्टम सही काम करेगा। जनरली जितना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है सबका दिया रहता है, तो इस चीज़ पे भी हम ध्यान नहीं देते हैं। और फेल्योर के टाइम में अगर कुछ वैसा फेल्योर हो तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा काम उसका है कीबोर्ड का, सेकेंड काम टेम्परेचर देखने का, तीसरा जो उसका काम आता है उसमें कि जितने भी डिजिटल एनालॉग उसमें हम इनपुट डालते हैं या फ्लैश मेमोरी या कुछ इंटरनल छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो सारा जैसे आपका मोबाइल है, आप अपने मोबाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाते हुआ है, क्योंकि आपका डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, तो आपके डाटा लॉगर के भी डाटा के साथ इस कीबोर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके, उसके लिए इसको भी हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, और उस पासवर्ड को भी इसी कीबोर्ड से हम सेट करते हैं या उसको फिर एनालिसिस करते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ कीबोर्ड। और आगे हम लोग चलें तो उसके बाद उसमें जो एक चीज दिखता है दैट इज द एलसीडी डिस्प्ले। उसके बाद जो एक चीज दिखता है, दिस इज द
एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी डिस्प्ले में क्या कि जितना भी फंक्शन आप कर रहे हैं बाय द कीबोर्ड या जितना डिजिटल या एनालॉग इनपुट आप लिए हुए हैं पूरा रिले रूम का पैनल सिस्टम का, उसका विजुअल मॉनिटरिंग एट स्पॉट डाटा लॉगर दो तरफ से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, पहला फिजिकली एट द स्पॉट, दूसरा रिमोटली एट द एनी सर्वर सेंटर यानी जहां पे उसका कंट्रोलिंग नेटवर्किंग से है। तो दो तरीके से विजुअल स्पॉट पे देखने के लिए हमको एलसीडी डिस्प्ले चाहिए, तो विजुअल स्पॉट पे डाटा लॉगर जिसे देखने के लिए हम वही इसमें एक डिस्प्ले रहता है आपका ये बना हुआ है, यहाँ पे एक डिस्प्ले रहेगा जहाँ कुछ इंडिकेशन जलते रहते हैं सीडीआरडी का कम्युनिकेशन का, एंड यहाँ पे आपका वो एलसीडी डिस्प्ले रहेगा, एलसीडी डिस्प्ले और नीचे एक बटन रहेगा, ये आपका डाटा लॉगर का है। ये जब बाकी सबको मालूम है आप लोगों को, एक डिस्प्ले रहेगा नीचे बटन रहेगा जो भी एक से इसमें यहाँ पे अपर रहेगा जीरो रहेगा, और यहाँ पे जो है आपका 32x16 का कॉलम बाय रो का एक एलईडी डिस्प्ले यूनिट रहेगा। फ्रंट व्यू में इतना ही है, इसके अलावा फ्रंट में और कुछ नहीं है। नॉर्मली सारे डाटा लॉगर का स्टेटस मेंटेनेंस विजुअली देखने के लिए ये फ्रंट व्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि डाटा लॉगर का फ्रंट में क्या क्या हम जाके सामने से क्या क्या देख सकते हैं। उसके बाद आगे है डिजिटल इनपुट एनालॉग इनपुट देखने के लिए कौन सा क्या बटन दबाएंगे, ये फिर प्रैक्टिकल की भी चीज है, थ्योरेटिकल में भी लंबा है तो उसको उतना लंबा जाएंगे नहीं हम, क्योंकि वो भी बहुत ही आसान है। जैसे मोबाइल में आप लोग करते हैं कि पहले मैसेज में गया, मैसेज से सेंड मैसेज में गया, रिसीव मैसेज में गया, सेम चीज आपका डाटा लॉगर में भी है कि जब आप उसको स्टार दबा के ऑन करेंगे तो अपने आ जाएगा डिजिटल रिपोर्ट एनालॉग रिपोर्ट ट्रैक रिपोर्ट, फिर आप जब एनालॉग को दाब देंगे तो एनालॉग वाला डिटेल आ जाएगा 230 वोल्ट रिपोर्ट क्या रिपोर्ट, और जीरो को दबाने से और अपर को दबाने से ऊपर नीचे हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो जो भी देखना है तो मोबाइल ऑपरेशन के जैसे कीबोर्ड वाला ऑपरेशन वाला मोबाइल है। आगे हम लोग ये फ्रंट व्यू के बाद चर्चा करते हैं रेयर व्यू पे, चलते हैं रेयर व्यू। रेयर व्यू में हम लोग नहीं के बराबर देखे हैं, मैक्सिमम आदमी कभी भी डाटा लॉगर के पीछे जाके देखने का कोशिश नहीं करता है, देखना चाहिए क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा हुआ है, जैसे हम आप रेगुलर मेंटेनेंस में तार जोड़ते लगाते हैं सेम चीज़ है, तो उसमें क्या क्या पीछे है इतना ओवरव्यू हम देना चाहते हैं आपको। रेयर व्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर, रेयर व्यू में आप जाएंगे तो रेयर व्यू में कुछ नहीं, मैक्सिमम जितने भी चीज़ें सब कपलर या कनेक्टर लगे हुए हैं, डाटा लॉगर के जितने भी कनेक्टर हैं सब मेल फीमेल पोर्ट जैसा कम्युनिकेशन केबल है। कम्युनिकेशन केबल किसको बोलते हैं कि वो डायरेक्ट जुटता नहीं है, एक साइड या तो मेल पोर्ट होगा एक साइड फीमेल पोर्ट होगा, दोनों को कनेक्ट करिएगा वो कनेक्ट हो जाएगा। मेल फीमेल पोर्ट किसको बोलते हैं कि जितने भी आपका कनेक्टर्स है, कनेक्टर में आप जैसे मोबाइल में ही आप चार्जिंग करते हैं तो कैसा रहता है, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए आप बनाएंगे ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जाके मोबाइल आपका जो है यहाँ पे एक बना हुआ है, ये जाके पोर्ट में इंसर्ट हो जाएगा और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएगा, जो भी कैसा कनेक्शन बनना है मेक हो जाएगा, आप बाहर निकाल देंगे ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में इसको हम लोग फीमेल पोर्ट बोलते हैं और इसको जो है मेल पोर्ट बोलते हैं। तो जितने भी आपके कंप्यूटर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इक्विपमेंट है कहीं भी तार लगा के स्क्रू ड्राइवर से नहीं जोड़ा जाता है, अब उसको कनेक्शन करने के लिए यानी कि मोबाइल भी आप अपना कभी किसी को अगर मालूम है थोड़ा भी हार्डवेयर मोबाइल का खोलिए किट निकालिए, आपका मोबाइल में जितना सारा पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी भी पार्ट में कनेक्शन तार से नहीं जोड़ा हुआ, ना तो अब सोल्डिंग करना पड़ता है, सब मेल फीमेल पोर्ट बना हुआ है कि छोटा स्क्रू ड्राइवर लीजिए निकाल दीजिए वो कनेक्टर बाहर हो गया, वो फ्लैप पूरा बाहर लाके दूसरा लगाइए उसको पुश कर दीजिए वो पूरा कनेक्ट दूसरे कार्ड से हो गया, यानी अब ये सिस्टम खत्म होते जा रहा है। तो सिंपल सी बात, क्योंकि इतना छोटा इक्विपमेंट है कि उसमें आदमी कनेक्शन फिजिकली कर ही नहीं पाएगा, ना वेल्डिंग कर पाएगा ना सोल्डरिंग कर पाएगा ना जोड़ पाएगा, तो यहाँ पर भी ये मेल फीमेल पोर्ट होता है। तो जब हम डाटा लॉगर के पीछे साइड में जाएंगे तो डाटा लॉगर का पीछे साइड में जो आएगा सबसे पहला हमारे पास क्या है CPU, तो CPU का सप्लाई के लिए एक पोर्ट रहेगा, दैट इज द CPU सप्लाई पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट डिजिटल सप्लाई पोर्ट बोलते हैं, नेक्स्ट कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं, कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम लोग मॉडेम कार्ड का जो है उसको बोलते हैं मॉडेम का कनेक्शन पोर्ट,
मॉडर्न कनेक्शन पोर्ट, उसके आगे बढ़िए आप तो हो जाएगा। अभी क्या है कि आपके हर एक डाटा लॉगर से आप डाटा हार्ड कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी कंप्यूटर और प्रिंटर। क्या करना रहता है कि डाटा लॉगर में डायरेक्ट हम प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रिंटर पोर्ट भी होता है, प्रिंटर पोर्ट, कि आप डाटा लॉगर का डाटा निकालिए, जितना सेव डाटा है उसमें सब प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल लीजिए, 100 150 200 पन्ना जो है पिछला जितना सेव उसमें है सब एक एक करके आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक डाटा लॉगर से दूसरे सारे डाटा लॉगर, कम्युनिकेशन पोर्ट तो डाल दिया ना जी, कम्युनिकेशन पोर्ट डाल दिया, तो ये सारे चीज आपके कम्युनिकेशन पोर्ट डाल दिया, सीपीयू सप्लाई, डिजिटल सप्लाई, कम्युनिकेशन पोर्ट, मॉडर्न कनेक्शन पोर्ट और प्रिंटर पोर्ट, ये सारे आपके आपके डाटा लॉगर के पीछे में कनेक्शन रहते हैं, पोर्ट रहते हैं। ये जो सीपीयू सप्लाई है वहाँ से सप्लाई निकल के उसका सीपीयू में चला जाएगा। डिजिटल सप्लाई जो है तो जितने भी डिजिटल इनपुट आप लिए हैं डाटा लॉगर में कहाँ लेते हैं, एक साइड का ढक्कन खोलेंगे ये पूरा पोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से लेके इस पोर्ट तक जो डिजिटल सप्लाई पोर्ट है ये सपोर्ट तक प्री वायर्ड कम्युनिकेशन केबल उसका लगा हुआ रहता है, हम जाके उसमें सिर्फ तार जोड़ते हैं, उसके साथ वो इंटरनल एक वायरिंग किया हुआ है, तो वो जाके डिजिटल पोर्ट में जुड़ता है। कम्युनिकेशन पोर्ट है कि कम्युनिकेशन पोर्ट का मतलब हुआ कि आपके उसमें जो कम्युनिकेशन कार्ड है वो सारे कार्ड के बीच में एनालॉग डिजिटल, यानी कम्युनिकेशन हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में दो टाइप का होता है, मोबाइल में भी दो टाइप का कम्युनिकेशन है, सबको मालूम होना चाहिए। एक आप अपने मोबाइल से हमसे जो बात करते हैं कि ये कम्युनिकेशन है, एक मोबाइल के भीतर में ही एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, एक हार्डवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर टू बैटरी के बीच कम्युनिकेशन 24 आवर चलते रहता है, उसके लिए उसमें कम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर डाला रहता है जो हमको बता देता है कि योर बैटरी लो। कैसे बता दिया कि मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट किया बैटरी के साथ और बैटरी बोला कि हम डिस्चार्ज होने जा रहे हैं 15% बचे, और वो कम्युनिकेट करके डिस्प्ले पे दिखा देता है। एक कम्युनिकेशन वो है, उसके लिए कम्युनिकेशन कंट्रोल कार्ड या सॉफ्टवेयर सब में डाला रहता है, वो कम्युनिकेशन हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के बीच में होता है। तो सेम यहाँ पर भी है, आपके बहुत सारे सिस्टम है, आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, कार्ड लगा हुआ है, मॉडर्न कार्ड है, तो सबका स्टेटस क्या है एक दूसरे के बीच वो सब अपने प्रोसेसर के साथ मतलब सीपीयू के साथ कम्युनिकेट 24 आवर कंटिन्यूअसली करते रहेगा, एक भी डाटा छूटना नहीं चाहिए। उसी डाटा को कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं 16 मिलीसेकंड, कि ईच डाटा 16 मिलीसेकंड में वो कम्युनिकेट कर लेता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा अगर उसको मिलने लगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो स्पीड है, ठीक है। नाउ इंटरनल सेटअप, इंटरनल सेटअप में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डीएससी, पिछले दिन भी चर्चा हुआ था, डिजिटल स्कैनर कार्ड, डिजिटल स्कैनर कार्ड, दिस इज द डीएससी, इसको बोलते हैं डीएससी। सेकेंड थिंग्स इज द सीपीयू कार्ड, इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल ही नहीं सकता है, सब कोई पढ़े हैं बचपन से ही सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी जो भी डिजिटल सिस्टम है उसमें सीपीयू इज द मस्ट। तीसरा कम्युनिकेशन कार्ड, कम्युनिकेशन इसके साथ और जुड़ा रहता है, एंड एक्सटेंशन कार्ड, एक्सटेंशन कार्ड। फोर्थ चीज जो उसमें लगा रहता है, दिस इज द मॉडेम कार्ड। अब आप आ जाइए क्या क्या काम है, फर्स्ट थिंग्स इज द डिजिटल स्कैनर कार्ड। डिजिटल स्कैनर कार्ड का क्या काम है कि जो भी डिजिटल इनपुट आप दे रहे हैं 512 टोटल एक डाटा लॉगर का 4096 होता है, आगे हम लोग देखेंगे अभी, तो जो 4096 डिजिटल इनपुट उसमें हम लोग डाल दिए, ये 4096 डिजिटल इनपुट में कोई ना कोई तो काम करते रहेगा, तो उसको तो स्कैन करना पड़ेगा ना, कौन सा इनपुट आया कौन सा नहीं आया है स्टेटस को, उसके लिए कार्ड रहता है डिजिटल डीएससी, डिजिटल इनपुट स्कैनर कार्ड। नाउ सीपीयू कार्ड, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा थिंग्स है कि सारे कार्ड का जितना भी फंक्शन हो रहा है सबका कंट्रोलिंग सीपीयू कार्ड करता है। कम्युनिकेशन एक्सटेंशन कार्ड और मॉडर्न कार्ड, मॉडर्न कार्ड एंड कम्युनिकेशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है तो उसको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम। मॉडर्न का भी क्या काम है, मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन,
यानी एक एम्पलीट्यूड को दूसरे एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेट डिमोड्यूलेट करते रहता है। इसका मतलब भी सेम से कम्युनिकेशन है कि आप जो बोले अगला तक पहुंचने के बीच में फंक्शन करना है, और कम्युनिकेशन कार्ड का भी वही काम है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कम्युनिकेशन को फार डिस्टेंस तक ले जाना है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक, दूर तक ले जाना है, तो उस पावर को एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कराने के लिए रिक्वायरमेंट इज द मॉडम कार्ड। और अगर किसी सिस्टम के अंदर में ही एक दूसरे के बीच में डाटा को ट्रांसफर करवाना है, बातचीत करवाना है, देन रिक्वायर्ड टू द कम्युनिकेशन कार्ड। कम्युनिकेशन कार्ड इंटरनल डाटा को एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करता है, मॉडम कार्ड का रिक्वायरमेंट है वो आपका एक डाटा लॉगर से दूसरे डाटा लॉगर में या नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन डाटा का आदान प्रदान करते रहेगा। तो यह हो गया आपका इंटरनल सेटअप। नाउ डिजिटल इनपुट, पिछले दिन भी चर्चा हो सकी थी, अब इसमें इनपुट है दो टाइप के, एक डिजिटल इनपुट है और दूसरा एनालॉग इनपुट है। इसमें दो टाइप का इनपुट है, इनपुट टू टाइप्स, डिजिटल इनपुट एंड सेकेंड इज द इधर सेकेंड इज द एनालॉग इनपुट। दोनों में सबसे पहले बेसिक डिफरेंस क्या है यह जान लेना जरूरी है, किसको हम डिजिटल इनपुट बोलते हैं और किसको एनालॉग इनपुट बोलते हैं। तो जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानकारी होगा, डिजिटल डाटा उसी को बोलते हैं या डिजिटल इनपुट उसी को बोलते हैं या डिजिटल चीज उसी को बोलते हैं जो फिजिकली नहीं है, सीमलेस है, या फिजिकल रूप से आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को आप फिजिकल रूप से महसूस नहीं कर सकते हैं वो डिजिटल होता है। जैसे अभी बोलता है ना कि सारा डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल कर दो, व्हाट इज द मीनिंग, डॉक्यूमेंट्स है, सारा चीज है, लेकिन देखने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, ऐसे नहीं दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स फिजिकली चाहिए, यानी अपना फाइल में बंद करिए, ले जाके दे दीजिए, सर ये डॉक्यूमेंट्स है, सिंपल चीज। तो यहाँ जो एनालॉग इनपुट है दैट इज द जस्ट लाइक ए फिजिकल इनपुट, जिसको आम स्टाफ या मेंटेनेंस या इंजीनियर आपस में महसूस कर सकता है, और दिस इज द डिजिटल इनपुट जो महसूस नहीं कर सकते आप। इसको महसूस करने के लिए एन अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का रिक्वायरमेंट है। तो डिजिटल इनपुट, अब सबका क्या है कि इनपुट का एक कैपेसिटी होता है। पुराने जमाने में मेरे पास मोबाइल आता था, उसमें कैपेसिटी था कॉन्टैक्ट सेविंग कैपेसिटी 530, मैसेज 100, फिर थोड़ा सा इन्हेंस हुआ कॉन्टैक्ट 1000, मैसेज 500, अभी फिर दे दिया गूगल क्लाउड क्या किया, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट, अनलिमिटेड मैसेज। यानी हर एक इक्विपमेंट का उसके कैपेसिटी के हिसाब से इनपुट लेने का एक कैपेसिटी होता है। यहाँ पर भी आपका कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी कार्ड वाइज है, यानी आप जितने डिजिटल कार्ड उसमें लगाएंगे उतना कैपेसिटी उसका इन्हेंस करते जाएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एक कार्ड का कैपेसिटी कितना होता है डिजिटल इनपुट का, 512। एक कार्ड का कैपेसिटी कितना होता है, 512 डिजिटल इनपुट। और एक डाटा लॉगर मैक्सिमम कितना कार्ड, क्योंकि क्या है कि एक रूम में आप होटल में जाते हैं, एक रूम लेना है, वो क्या बोलता है मैक्सिमम 4 आदमी अलाउड, 2 आदमी अलाउड, 2 बेड से ज्यादा तीसरा हम नहीं सुला पाएंगे, मतलब एक स्टेटस है, उसका कैपेसिटी है। तो एक कार्ड का कैपेसिटी है 512 एंड वन डाटा लॉगर का कैपेसिटी है 8 कार्ड। वन डाटा लॉगर का कितना कैपेसिटी है, 8 कार्ड। देन मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डिजिटल कितना हो गया ऑफ डिजिटल इनपुट, 512 × 8 4096 इनपुट। आप मैक्सिमम एक डाटा लॉगर में अगर सारे डिजिटल कार्ड लगा दें तो 4096 इनपुट आप उसमें यूज कर सकते हैं। नाउ चलते हैं डिजिटल में, सॉरी एनालॉग में। एनालॉग अब क्या, अच्छा डिजिटल डाटा किसको लेंगे, जितना भी आपका PII, RRI, SSI चलाने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट है जिसमें कोई आप वोल्टेज सप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो जो भी सप्लाई आ रहा है थ्रू डाटा लॉगर सिस्टम, तो उसको हम डिजिटल इनपुट लेते हैं। से रिले कॉन्टैक्ट्स, डिजिटल इनपुट्स में क्या क्या आएगा,
रिले कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स ऑफ द S&T इक्विपमेंट्स, जितना भी इक्विपमेंट्स है जिसमें के आप पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज, कोई भी प्रकार का उसमें वोल्टेज नहीं है, वो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट हम डेटा इनपुट में डालते हैं ऑल। अब उसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जैसे चार्जर से हम लोग लेते हैं, क्या लिखता है उसको, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, मतलब उसमें वोल्टेज नहीं है, खाली मेक ब्रेक हो रहा है, ठीक है फिजिकली। एनालॉग इनपुट क्या है कि जितने भी पोटेंशियल रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, यानी जिसका आपको पोटेंशियल चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, दैट इज द एनालॉग। अब वोल्टेज तो फिजिकली महसूस कर सकते हैं, किसमें वोल्टेज है, छू दो जाके थोड़ा महसूस हो गया भाई, तो यहां पर भी एनालॉग इनपुट चेक करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन है, इसलिए इसका नाम एनालॉग है। और ऑल टाइप्स ऑफ क्या यूज करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ एसी डीसी वोल्टेज, नॉट करंट, एसी डीसी वोल्टेज, ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, जितना भी वोल्टेज आप सिस्टम में यूज कर रहे हैं, मिली वोल्ट से लेके 1000 किलो जो भी है, उसके लिए हम लोग एनालॉग इनपुट के कॉन्टैक्ट में उसको यूज करते हैं। इसका आप कैपेसिटी, एक कार्ड का कैपेसिटी 16 डाटा जो है, एक कार्ड का कैपेसिटी है 16 पर कार्ड, एक कार्ड का कैपेसिटी है 16 एंड 6 नंबर्स ऑफ एनालॉग कार्ड एकोमोडेट इन द हाउसिंग, जो आपका डाटा लॉगर में कार्ड लगाने का जगह है उसमें 6 नंबर्स ऑफ कार्ड लगेगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी एनालॉग कितना हो गया, 16x6 96 जो है हमारे पास कार्ड हो गया, सॉरी कैपेसिटी हो गया। और ये जो कार्ड कितना लगेगा, इसका कैपेसिटी किस पे मेंटेन होता है, इसका कैपेसिटी मेंटेन होता है कि आप जो है पीछे जो रेयर व्यू पढ़े थे, रेयर व्यू में सीपीयू जोड़ने का, डीएसयू जोड़ने का, डीएससी जोड़ने का, एएससी जोड़ने का पोर्ट दिया हुआ था, तो जितना पोर्ट दिया रहेगा एंड हाउसिंग में जितना जगह रहेगा, तो 6 पोर्ट, दैट इज द 1696, ये आपका एएससी और डिजिटल कार्ड, एनालॉग कार्ड, मॉडर्म कार्ड, डिजिटल इनपुट एंड एनालॉग इनपुट, यहां तक आप निपट गए। नाउ स्कैनिंग रेट मतलब जो डिजिटल या एनालॉग इनपुट डाटा लॉगर को दिया जा रहा है उसको जो स्कैन करेगा, अभी जैसे कि मान लिया जाए लीवर ऑपरेशन था, एक पॉइंट को सेट करने में 5 मिनट या 2 मिनट लगता था, नाउ पैनल ऑपरेशन आ गया, एक पॉइंट को सेट करने में उसको 3 से 4 सेकंड लग रहा है, अभी SSI आ गया, SSI मतलब एक साथ में 4, 5, 6 पॉइंट उसका सेट होता है, यानी उसका समय और भी कम हो गया, हो सकता है 1 सेकंड में वो 2-3 काम कर ले रहा होगा। देन अगर मान लिया जाए डाटा लॉगर का स्कैनिंग टाइमिंग नहीं रखेगा, रेट नहीं रखेगा, तो क्या होगा कि 1 सेकंड में अगर मान लो 50 ऑपरेशन कर दिया, देन क्या होगा कि इसका स्कैनिंग कोई रेट नहीं है, पता नहीं है, तो कुछ डाटा मिला, कुछ डाटा इंट्री उसका लॉग नहीं हुआ, देन एक रेट रखा, देखा गया कि कोई भी इक्विपमेंट मैनुअल या ऑटोमेटिक रूप से काम करने में मैक्सिमम मिनिमम टाइम कितना ले सकता है, वे डाटा लॉगर का जो स्कैनिंग रेट है 1/16 सेकेंड, यानी 16 डाटा पर सेकेंड, आपका डाटा लॉगर 16 डाटा पर सेकंड लॉग कर सकता है, 16 डाटा पर सेकंड, 1 सेकंड में 16 डाटा, 60 मिली सेकंड एवरेज एक डाटा के लिए उसको टाइम लगेगा। नाउ डाटा लॉगर इतना सारा फंक्शन हो गया, इतने सारे सेटअप लग गए, इसका पर्पस क्या था, अभी हम लोग स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा समरी किए थे कि क्या पर्पस था, अभी हम लोग चलते हैं कि डाटा लॉगर किस किस पर्पस में हम लोग काम ला सकते हैं। अभी तक SNT वाले जो हम लोग डाटा लॉगर यूज करते हैं वो सिर्फ यही समझते हैं कि डाटा लॉगर का यूज है फेल्योर देखना, फेल्योर चेक, लेकिन इसका क्या क्या पर्पस है। सबसे पहला पर्पस ऑफ द डाटा लॉगर, जितने भी रिले ऑपरेशंस हैं, ईच एंड एवरी PI RRI SSI इंटरलॉकिंग जुड़ा हुआ है,
रिले ऑपरेशन से। तो जितने भी रिले ऑपरेशंस हैं उसको मॉनिटर करना, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन इज द मॉनिटर द रिले ऑपरेशंस ऑपरेशंस। तो उससे हमको पता चल जाएगा पिकअप ड्रॉप का, सबको मालूम है। दूसरा चीज फ्यूज मॉनिटर, हमारे सिस्टम में जितने सारे एनालॉग को इक्विपमेंट हैं सबको पावर चाहिए, और पावर में हम लोग फ्यूज लगाते हैं। अगर फ्यूज कट ऑफ हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो बहुत समय पहले तक ऐसा स्टेटस था कि हमको पता ही नहीं चलता था कि फ्यूज गया है कि कोई और फेल्योर है। बीच में क्या आया, LED आ गया, जो हमारे कुछ सिस्टम यूज भी कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल जगह पर भी कमिशनिंग में लगाया था कि फ्यूज के साथ पैरेलल में एक सर्किट बना के LED डाल दिया जाता था। अगर फ्यूज रहेगा तो ये सर्किट बाईपास होके फ्यूज से वोल्टेज जाएगा, और फ्यूज कटेगा तो ये सर्किट कटने से ये LED होके वोल्टेज जाने लगेगा और LED ग्लो कर जाता था, कि हमारा ये फिजिकल हमारा वायरमैन लोग बनाया था। बट डाटा लॉगर में भी फंक्शन है कि अगर उस एनालॉग इनपुट में डालने से अगर वो फ्यूज चला गया तो उसका पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट में एक हो जाता है, और वो सिस्टम से वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा फ्यूज गया हुआ है, अगर उस डाटा लॉगर में आप एनालॉग से डिजिटल बना के इनपुट को डाल सकते हैं। तो दैट इज द फ्यूज मॉनिटर, फ्यूज मॉनिटरिंग। तीसरा फंक्शन जो हम यूज करते हैं दैट इज द सप्लाई, इसका मैसेज भी आता है, ये हम लोग भी यूज कर रहे हैं। 230 IPS का नहीं है, 110 डाउन हो गया। अभी यहाँ का डाटा लॉगर, अगर संथालडी का डाटा लॉगर का इनपुट का आप डाटा बेस देखेंगे तो वहाँ जितना पावर सप्लाई लिया है 24 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट 110 AC DC 230 सब का डाटा मिल जाएगा। कौन सा वोल्टेज कब 130 है, कौन 140 है, 110 गया, 105 गया, ईच एंड एवरी डाटा मेंशन होता है उसमें। और आप निकाल सकते, कोई बोले कि सर 24 वोल्ट का फ्यूज उड़ गया था और सीनियर डिस्ट्रिक्ट को चेक करना है, तो संथालडी का 11 बजे से 12 बजे के बीच का डाटा निकालेगा कि वो 24 वोल्ट का क्या स्टेटस था, उसको पूरा मिल जाएगा 24 वोल्ट 28 वोल्ट था कि 16 वोल्ट तक 15 वोल्ट था। ये में बेमानी नहीं कर सकते हैं आप कि सर फ्यूज उड़ गया था, ये समय खत्म हो गया। दैट इज द यहाँ पर आपका पावर फैक्टर का भी जो है सप्लाई ऑन ऑफ का, सप्लाई मॉनिटरिंग का भी इसमें सिस्टम है जो आपके संथालडी स्टेशन में इंप्लीमेंट हो चुका है। तीसरा चीज क्या है, सिग्नल स्टेटस, उसमें बहुत कुछ खोला जाता था पहले, कुछ भी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका सिग्नल का सारा स्टेटस, कौन ब्लिंक है, कौन ऑफ है, कौन ऑफ है, ऑफलाइन ऑनलाइन सिमुलेटेड, यहां से लेकर रेलवे बोर्ड तक अभी देख सकता है, दैट इज द सिग्नल स्टेटस। ये पर्पस है डाटा लॉगर का फ्रॉम SNT के तरफ से, यानी SNT का रिक्वायरमेंट के तरफ से। इसके अलावे जो पर्पस है, उसके अलावे जो पर्पस है दैट इज द सेफ्टी पर्पस। इसलिए डाटा लॉगर को सबसे बड़ा सेफ्टी इक्विपमेंट माना जाता है। दिस इज द ब्लैक बॉक्स ऑफ एरोप्लेन, वैसे रेलवे का ये ब्लैक बॉक्स है। तो सेफ्टी पर्पस में इसका क्या क्या इंप्लीमेंटेशन पर्पस है, सबसे पहला SPAD केस मॉनिटरिंग। What is the meaning of SPAD? सिग्नल पास्ड एट डेंजर, कि कोई ड्राइवर लाल सिग्नल को पास नहीं कर सकता है, तो सिग्नल लाल में पास किया है कि नहीं किया है इसको फिजिकली वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, डाटा लॉगर आपका बता देगा कि जिस समय गाड़ी इस पॉइंट को क्रॉस किया था सिग्नल का स्टेटस क्या था, क्योंकि सिग्नल स्टेटस तो मॉनिटर कर रहा है ना। दूसरा चीज लेट स्टार्ट ऑफ द ट्रेन, बहुत समय क्या होता है कि सिग्नल दे के रख दिया, ड्राइवर चाय पी रहा है, आएंगे उसके बाद बोला हमको सिग्नल ही नहीं दिया था, देन आपका सिग्नल स्टेटस तो मिल जा रहा है उसको, तो ट्रेन लेट स्टार्ट हुआ कि सिग्नल लेट दिया, इसको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। देन लेट स्टार्ट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तीसरा ह्यूमन एरर और माल फंक्शनिंग, किसी भी टाइप का अगर आप माल फंक्शनिंग करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल फंक्शनिंग, कोई भी मैनिपुलेशन आप करते हैं कुछ भी, दे डिटेक्ट बाय द डाटा लॉगर, तो इसको हम रोक सकते हैं किसी भी टाइप का माल फंक्शनिंग को। चौथा अच्छा और भी आगे हम लोग लिस्ट लेंगे, चलिए अभी ही ले लेते हैं फिर इसके बाद नेटवर्किंग में जाएंगे। चौथा ब्लैंकिंग ऑफ द सिग्नल्स,
ब्लिंकिंग ऑफ सिग्नल्स। बहुत टाइम पहले क्या होता था कि सिग्नल वगैरह नो लाइट हो गया, इसका स्टेटस नहीं मिल पाता था। नाउ ब्लिंकिंग ऑफ द सिग्नल का थ्रू नेटवर्क मैनेजमेंट से आपको मैसेज मिलते रहेगा, ब्लिंकिंग ऑफ द सिग्नल्स। नाउ ट्रैक बॉबिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस। कभी कभी क्या एक सर्किट होता है, हम लोग का SR सर्किट ट्रैक सर्किट पे जुड़ा रहता है, सबको पता है। अगर किसी कारण से ट्रैक मिली सेकेंड के लिए भी बॉबिंग हुआ, SR गिर जाएगा, TS जल जाएगा, सिग्नल नहीं होगा। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि बार बार TS मेरा क्यों जल रहा है, ट्रेन इंटरिंग सेक्शन। देन उसके लिए क्या है कि ट्रैक बॉबिंग का पता लगाना, ये आपका डाटा लॉगर से बहुत ही आसान है। छठा, ट्रैक इंटरमीडिएट फेल्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट फेल्योर? यस, कि आपका फेल्योर परमानेंटली नहीं है, अभी सिग्नल दिया हो गया, अभी देने जा रहे हैं तो नहीं हुआ। देन जो लाइव सर्किट है, जो सर्किट हमारा ऑपरेट हुआ, उसके बारे में आप पता इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चीज है, पॉइंट स्लगिज ऑपरेशन। पॉइंट्स का ऑपरेशन अगर स्लगिज है तो पता हम लोग को नहीं लग पाता है, पॉइंट खराब है कि ऑपरेशन सही नहीं है या कुछ गड़बड़ हो रहा है। वो पॉइंट स्लगिज ऑपरेशन जो है वो डाटा लॉगर से आप पता लगा सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत हैं, जैसे स्पीड मॉनिटरिंग, ट्रेन का स्पीड आपके ट्रैक सर्किट एरिया में कितना है, यार्ड एरिया में कितना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन मॉनिटरिंग, ट्रेन एट यार्ड, यार्ड में ट्रेन का स्पीड कितना है, ये भी आपको डाटा लॉगर कंप्लीट बता देगा। तो इस टाइप के सिस्टम आपका जो है जितना भी पर्पस है सारा ये डाटा लॉगर से सॉल्व होता चला जा रहा है। इस टाइप का पर्पस डाटा लॉगर से सॉल्व होता चला जा रहा है। तो अब आगे बचता है कि और डाटा लॉगर में क्या है। तो पर्पस डाटा लॉगर का बेसिक कंसेप्ट यही है, DSC ASC कार्ड जान के यही है, इनपुट आउटपुट क्या है ये समझ के क्या है, पर्पस क्या है इतना जान लेने के बाद थोड़ा सा जो अगला पार्ट आता है, दैट इज द नेटवर्किंग। कि आपका डाटा लॉगर नॉट फॉर आपके लिए, मतलब जो स्टेशन में वर्क कर रहा है नॉट फॉर उसके लिए, वो ऑल इंडिया के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि बिना आपसे पूछे विद इन सेकेंड आपके स्टेशन का सारा डिटेल्स वो ले लेगा। क्योंकि ये डाटा लॉगर नेटवर्क मोड में दूसरे सर्वर के साथ जुड़ के आपके कंट्रोल में या अदर कंट्रोल में है, वो कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया, पढ़ देते एक बार हम। SPAD मॉनिटरिंग यानी स्पीड केस मॉनिटरिंग, दूसरा लेट स्टार्ट ऑफ द ट्रेन, तीसरा ह्यूमन एरर और माल फंक्शनिंग, चौथा ब्लिंकिंग ऑफ सिग्नल्स, पांचवा ट्रैक बॉगिंग, छठा ट्रैक इंटरमिटेंट फेल्योर, पांचवा पॉइंट स्लगिंग ऑपरेशन, छठा स्पीड ऑफ द ट्रेन इन यार्ड। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट में। नेटवर्क मैनेजमेंट में जब हम लोग जाएंगे, तो नेटवर्क मैनेजमेंट में जाने से पहले डाटा लॉगर जो नेटवर्क के साथ काम करेगा, कंप्यूटर सिस्टम में काम करेगा, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज हम करते हैं। डाटा लॉगर तो मिल गया, कंप्यूटर दे दिया, क्या निकालना है, क्या देखेंगे, तो क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पहले उसको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय, सबसे पहली बात EFF यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। डाटा लॉगर HBL का भी आ गया और भी है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा डाटा लॉगर में जाइएगा, वो दूसरा सिस्टम यूज करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता है, सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय EFF। सबसे पहला जो रन कराना है, डाटा लॉगर को रन कराना है, उसके लिए उसका सॉफ्टवेयर है, दैट इज द डेल्फी, DELFI डेल्फी। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। जब तक ये यही लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर के तो नहीं जान रहे हैं आप लोग, नहीं तो जितना भी कंप्यूटर चलाने का सॉफ्टवेयर है उसका मशीन लैंग्वेज अलग है,
वो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करे, वो सब मशीन लैंग्वेज में चलता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही उसके बारे में डिटेल्स जानता है, तो इसमें चर्चा करने से भाई मतलब नहीं है। तो इसका जो प्रोसेसर काम करता है उसका सॉफ्टवेयर है डेल्फी, ठीक है। ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है, विजुअल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, विजुअल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा जो इसका सॉफ्टवेयर आपको जरूरत है, आपका डाटा लॉगर इलेक्ट्रॉनिक्स जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा वो कंप्यूटर विंडोज सॉफ्टवेयर पे ही चलना चाहिए, विंडोज 98, विंडोज और आगे वर्सन भी, लेकिन विंडोज पे ही चलना चाहिए। तो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जनरली विंडोज 98 जो स्टार्टिंग में हम लोग का चलता था, आज भी बहुत सारे 98 में ही चल रहे हैं, तो वो 98 इसका स्टार्टिंग वर्सन था। तीसरा जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, अब इस डाटा लॉगर को दूसरे डाटा लॉगर से या अदर सर्वर से या अदर कंट्रोल से कम्युनिकेट कराना है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज द NMDL, NMDL नेटवर्क मैनेजमेंट ऑफ डाटा लॉगर, नेटवर्क मैनेजमेंट ऑफ डाटा लॉगर, डाटा लॉगर के बीच का नेटवर्क मैनेजमेंट ये करता है। उसके बाद अब आपको उस डाटा लॉगर से रिपोर्ट जनरेट करना है, फेल्योर रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट, देन उसके लिए आपको एक अलग चाहिए रिपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम डाटा लॉगर से और क्या करते हैं, इसके बाद डाटा लॉगर से करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्ड जनरेट करते हैं, तो दोनों का अलग अलग उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉल्ट, ऑनलाइन फॉल्ट, छठा जो है ऑफलाइन, उसी में आ जाता है ऑनलाइन व ऑफलाइन, कर दीजिए ऑनलाइन आपको लेना है कि ऑफलाइन लेना है फॉल्ट। छठा जो है ट्रैक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ये आपके यार्ड का लेआउट का पूरा उसमें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लीट सिमुलेशन जो है, विजुअलाइज जो है सिमुलेशन जो है, ये इस सॉफ्टवेयर से होता है, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है ये हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट, एक डाटा लॉगर से दूसरे डाटा लॉगर के बीच में ये सब जितने सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर है हमारा NMDL, नेटवर्क मैनेजमेंट ऑफ डाटा लॉगर। ये काम करता है कि एक डाटा लॉगर से दूसरे डाटा लॉगर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, दैट इज द नेटवर्क किंग ऑफ डाटा लॉगर। तो नेटवर्किंग ऑफ डाटा लॉगर का मतलब हुआ कि आपका एक डाटा, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं क्या है नेटवर्किंग ऑफ डाटा लॉगर, कि आपका मान लिया जाए ये भोजूडी ईस्ट केबिन का डाटा लॉगर है 1, ये भोजूडी वेस्ट केबिन का था 2, ये शिव बाबूडी का था 3, इस तरह करके तलगड़िया बोकारो होते हुए ये 10वां नंबर कोई और डाटा लॉगर था। अभी ये जितने भी डाटा लॉगर हैं सब अपने अपने स्टेशन में तो कनेक्ट करके देख रहा है, लेकिन ये सारे डाटा लॉगर को आद्रा डिवीजन का कंट्रोल ऑफिस में एक टाइम में खोल के वो देख सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 10 डाटा लॉगर का कनेक्शन हमको आद्रा कंट्रोल में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आद्रा कंट्रोल में एक सर्वर रूम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये आद्रा कंट्रोल है, आद्रा कंट्रोल है। अब इस आद्रा कंट्रोल में अगर हमको नेटवर्क देना है इस सारे डाटा लॉगर का, तो हमको 2 इक्विपमेंट चाहिए, एक इक्विपमेंट चाहिए, वहां एक कंप्यूटर रहना है, एक कंप्यूटर रहना है, दिस इज द पीसी, ये सबसे पहला प्राइमरी चीज है। और दूसरा जो है एक होना है FEP, फ्रंट एंड पैनल, एफ ई पी स्टैंड्स फॉर फ्रंट एंड प्रोसेसर, एंड प्रोसेसर, फ्रंट एंड प्रोसेसर, और इस फ्रंट एंड प्रोसेसर के साथ में आपका ये पीसी जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये फ्रंट एंड प्रोसेसर किसके किसके साथ जुड़ा रहेगा, ये फ्रंट एंड प्रोसेसर थ्रू मॉडेम, इसके साथ क्या रहेगा एक लगा हुआ मॉडेम,
मॉडम, मॉडम के थ्रू ये इस डाटा लॉगर के साथ, हर डाटा लॉगर में दो पोर्ट है, क्या क्या पोर्ट है, एंसरर और ऑरिजिनेटर, एक ऑरिजिनेट करता है दूसरा एंसर देता है। तो आपको मोड बनाना है, तो इसको आप ऑरिजिनेटर मोड बना है क्या एंसरर मोड बना है, ऑरिजिनेटर मोड मतलब इनपुट, एंसरर मोड मतलब आउटपुट। तो एक इधर से जाके एक मोड में घुसा, दूसरा मोड से निकल के इसका कनेक्शन दूसरा डाटा लॉगर में चला गया, दूसरा मोड से यहाँ से निकला ये तीसरा डाटा लॉगर में चला गया, ऐसे ही चलते गया यहाँ से आके इसमें चला गया, ये सारे एक दूसरे के साथ लिंकअप हो गए, ठीक है, क्योंकि हर एक डाटा लॉगर में क्या है एक मॉडेम कार्ड है, तो मॉडेम इसमें इनबिल्ट है, अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, तो हर एक मॉडेम के साथ कम्युनिकेशन होते सारा डाटा लॉगर कर लिया। अब इस डाटा लॉगर का मॉडेम से जो जनरेट किया ये, और यहाँ पर जो आपका मॉडेम कार्ड है एफईपी है लगा हुआ, इस एफईपी के साथ ये और ये के बीच में एक और कम्युनिकेशन करा देगा। इसके कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका होगा, भाया माइक्रोवेव, माइक्रोवेव और सिक्स क्वाड और ओएफसी, तीनों में कोई भी मीडिया से ये कनेक्शन कर सकते हैं। इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं बाय डायरेक्शनल कनेक्शन, बाय डायरेक्शनल, इस कनेक्शन को क्या बोलेंगे, बाय डायरेक्शनल नेटवर्क, मतलब बाय का मतलब दो, ये दो डायरेक्शन से नेटवर्क हो रहा है। मान लिया जाए अभी आपका ये आपका ईस्ट केबिन था भोजुडी, ये वेस्ट केबिन, यहाँ पे ये तार कट गया, तो उधर वो दो तीन से उसका दस तक का जाता रहेगा, यहाँ से सबका जाएगा, दो से लेके दस तक का थ्रू इधर से जाएगा और एक तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो बाय डायरेक्शनल मोड में क्या होता है, अगर एक पाथ कोई भी कट गया गलती से देन डाटा हैम्बर्स नहीं होगा और आपको फेल्योर रेक्टिफिकेशन करने का टाइम मिल जाएगा। और डाटा लॉगर का मैनेजमेंट में बस इतना ही चीज चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, एफईपी, एक फ्रंट एंड प्रोसेसर चाहिए, एक पीसी चाहिए और इसके थ्रू सारा डाटा लॉगर का आपस में कम्युनिकेशन चाहिए। नाउ इस फ्रंट एंड प्रोसेसर से गार्डन रीच को रेलवे बोर्ड को भेजना है तो उसके लिए रेल नेट के थ्रू सर्वर में डायरेक्ट भेज दिया जाता है, वहां के थ्रू डायरेक्ट डाटा लॉगर का कोई लिंकअप कम्युनिकेशन नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसके बाद डाटा लॉगर का जो नेटवर्क होता है, एक तो बाय डायरेक्शनल हो गया, इस बाय डायरेक्शनल से भी अभी एक और अगर कम्युनिकेशन का सिस्टम है यानी ओएफसी क्वाड उसके पास अवेलेबल है, देन इंप्लीमेंट टी नेटवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी नेटवर्क, टी नेटवर्क, टी नेटवर्क कुछ नहीं होता है, चूंकि नेटवर्किंग देखने में टी जैसा लगता है इसलिए उसको टी नेटवर्क बोलते हैं। बाय डायरेक्शनल कैसा, इधर से घुसा इधर से घूम के निकल गया, दैट इज द लूप। और टी नेटवर्क में आपका जो नेटवर्किंग होगा, जैसे एक यहां से एक वायर गया, एक टी यहां पे डाटा लॉगर लग गया, एक यहां पे 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 लग गया, इस तरह करके बढ़ता चला जाएगा। अभी मान लीजिए ये कट गया, क्या होगा, एक तरफ का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए टी नेटवर्क के जगह अभी जितने भी डाटा लॉगर हैं वो बाई डायरेक्शनल पे काम करता है, ठीक है। या फिर अब आगे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला लड़का लोग जो पढ़ेंगे वो बताएंगे स्टार नेटवर्क है, डेल्टा है, उसमें फिर कोई नहीं कटता है एक दूसरे से, ऐसे नेटवर्किंग बनाएगा, इसको इसके थ्रू जोड़ देगा, यानी इसको यहां से जोड़ दिया, कोई भी पाथ कहीं से कट जाए नेटवर्क हैम्पर्ड नहीं होगा, ये आगे की चीज है। लेकिन अभी जो आपका रेलवे यूज कर रही है दैट इज द बाय डायरेक्शनल नेटवर्क, ठीक है। टी नेटवर्क का इसमें ये फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, छोटा डिस्टेंस में जहां पे आप फेल्योर नॉर्मली डिटेक्ट करके रेक्टिफाई तुरंत कर सकते हैं, देन इसलिए आपके यहाँ पे बाय डायरेक्शनल नेटवर्क को हम लोग यूज करते हैं। नाउ अब इस नेटवर्किंग सिस्टम में जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसका फंक्शन क्या क्या है, इस नेटवर्किंग सिस्टम करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट यूज हो रहा है, पहला इक्विपमेंट आप क्या पढ़े नाम, एफ ई पी, फ्रंट एंड प्रोसेसर, ये क्या है, इसका काम सिर्फ मतलब क्या बोला जाए, मीडिएटर, भाया मीडिया है ये, कि आपका एक पीसी है यहां पे, पीसी मतलब कंप्यूटर, और ये डाटा लॉगर है डीएल, इस दोनों के बीच में जो आपने एफईपी लगाया ये सिर्फ यही करेगा, इस डाटा को इससे कलेक्ट करेगा और कंप्यूटर को
देगा, दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का काम करता है ये, ओनली दोनों के बीच का कम्युनिकेशन करता है। क्या काम करता है? डाटा कलेक्ट फ्रॉम डाटा लॉगर एंड ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर। दो डाटा लॉगर के बीच में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में नेटवर्किंग के लिए अब क्या जरूरत है? आपको कम्युनिकेशन का जरूरत है, क्योंकि ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, ये डायरेक्ट यहां के साथ काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए जो हमको इक्विपमेंट का जरूरत है, दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इस डाटा लॉगर से इस डाटा लॉगर के बीच में हमको कम्युनिकेशन कराना है, या फिर ये जो 10 नंबर तलगड़िया का है उससे आद्रा के बीच का कम्युनिकेशन कराना है, तो दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराने का जो तरीका है, सिस्टम है, उसमें दो टाइप का तरीका है। पहला तरीका बोलते हैं, जो पहला शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, नजदीक डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टो आइसोलेटेड करेंट लूप कम्युनिकेशन, ऑप्टो आइसोलेटेड करेंट लूप कम्युनिकेशन। जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन, ये ऑप्टो आइसोलेटेड करेंट लूप कम्युनिकेशन, और जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं, एक इक्विपमेंट से दूसरा इक्विपमेंट तक दूर तक कम्युनिकेशन कराना है, टेलीकॉम में भी यूज होता है, लोकल और एसटीडी, ठीक है, तो लोकल वाले शॉर्ट डिस्टेंस है और एसटीडी दूर तक जाना है, तो उसके लिए हम लोग डायलअप, उसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस वाले को, लॉन्ग डिस्टेंस वाले को डायलअप या लीज्ड मॉडम यूज करना पड़ता है, मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड। पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है कि मॉड्यूलेटेड का मतलब हुआ कि कोई लो फ्रीक्वेंसी, जैसे भी हम बोल रहे हैं मोबाइल की भाषा, हम यहां से बोल रहे थे अमेरिका तक मेरा भाषा कैसे पहुंच रहा है, मेरा मोबाइल इसी साउंड को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है और उस हाई फ्रीक्वेंसी को इक्विपमेंट के थ्रू अमेरिका की तरफ भेज दिया, और वहां पे एक और मॉडम लगाया हुआ है जो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके फिर हमारे कान में सुनने लायक डेसिबल में कन्वर्ट करके दे देता है, दैट इज द मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मॉडम। तो यहां पर भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमको क्या यूज करना है? मॉडम। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मॉडम का जरूरत नहीं है, अभी इस मोबाइल से इस कंप्यूटर में नेटवर्क चलाना है, एक वो तार जोड़ दो चल जाएगा, लेकिन इनके ऑफिस से मेरे यहां चलाना है उसके लिए ये एक मॉडम लगाना पड़ेगा, ये मॉडम है, नहीं तो नहीं चलेगा। अभी हमको इस कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में इसी रूम में चलाना है तो मॉडम का जरूरत नहीं है, दैट इज द ऑप्टो आइसोलेटेड सर्किट लूप कनेक्शन। और अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस लेके जाना है देन रिक्वायर्ड ए मॉडम। मॉडम दो टाइप का होता है, एक लीज्ड और दूसरा डायलअप, एक डायलअप मॉडम होता है और दूसरा लीज्ड मॉडम होता है। लीज्ड मॉडम हम लोग जनरली किसी बड़े स्टेशन में डाटा लॉगर, अगर 4-5-6 जैसे संथालडी में 4 डाटा लॉगर लग गया तो चारों अभी हमारा बाय डायरेक्शनल मोड से कनेक्टेड है, एक कटने से गड़बड़ हो जाएगा। अगर वहां पे हमारा ये लीज्ड मॉडम लग जाता तो वो टी नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाता कि एक तो ये लाइन हो गया और दूसरा लोकल एक लूप हो गया कि आपस में भी कनेक्शन है, कोई एक भी संथालडी का कनेक्टेड रहेगा तो सबको आपस में ले लेगा। तो ये दो टाइप का कनेक्शन है। तो इस तरह से आप लोगों ने डाटा लॉगर के बारे में बेसिक इक्विपमेंट, उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यूज, इंप्लीमेंटेशन और सेफ्टी मेजरमेंट में उसका क्या वैल्यू है सब जान लिए। चलिए अब अगर कुछ डाउट है तो दो चार सवाल।